दोस्तों इमेजिन करिए, आपके बॉस ने आपको एक शीट दी है जिसमें जनवरी से लेके जून तक के डेटा है, या आप कोई भी एक सेल्स है, ठीक है। आपके बॉस ने आपको बोला है कि मुझे जुलाई से लेके दिसंबर तक का कितनी सेल्स होने वाली है, मुझे उस सेल्स का डेटा चाहिए, और वो भी सिर्फ 10 मिनट के अंदर अंदर। तो आपको सारा डेटा कैलकुलेट करना पड़ेगा, परसेंटेज निकालना पड़ेगा, अप्स डाउन भी हो सकता है, कोई महीने आपकी सेल डाउन, कोई महीने आप कुछ भी हो सकता है, आप हो जाएंगे परेशान। तो अभी आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने सब्सक्राइब कर लिया है माई टेक्निकल सपोर्ट टिप्स एंड ट्रिप्स यूट्यूब चैनल को, और अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो जल्दी से पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक करना मत भूलिए, और अपने दोस्तों के साथ भी ये टिप्स जरूर शेयर कीजिएगा। मैं आपको 10 मिनट की प्रॉब्लम को 10 सेकंड में सॉल्व करना आज के वीडियो में सिखाने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों मैंने एक टेबल बनाई है जिसमें जनवरी से लेके जून तक के सेल्स के डेटा, एक्चुअल डेटा है वो दिए हुए हैं, और हमको क्या करना है, जुलाई से लेके दिसंबर तक के फोरकास्ट सेल है या प्रोजेक्टेड सेल कितनी होने वाली है, कितनी हो सकती है, जो पास्ट डेटा के अकॉर्डिंग, जो जनवरी से जून के जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग हमारी जुलाई से लेके दिसंबर तक की सेल्स क्या हो सकती है, उसका हमको फोरकास्ट करना है, प्रोजेक्ट करनी है सेल्स को। तो हमें सबसे पहले मंथ और सेल्स वाली जो टैब है, दोनों कॉलम है, वो हमको पूरा सेलेक्ट कर लेने हैं। उसके बाद में आपको यहाँ देखिए डेटा में जाना है, यहाँ जाने के बाद आपको फोरकास्ट शीट है इस पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ऑप्शंस में जाना है नीचे में, और इसमें आप देखेंगे तो यहाँ देखिए फिल मिसिंग पॉइंट यूजिंग। अगर आप यहाँ पे बाय डिफॉल्ट इंटरपोलेशन है, अगर इंटरपोलेशन है इसका मतलब ये है कि अगर किसी, जैसे मार्च के महीने में सेल्स अगर आपके यहाँ पे कुछ नहीं लिखे थी, सीट अगर जो आपके वहाँ पे सेल है वो पूरी खाली रहती, इसका मतलब ये क्या करता, फरवरी और अप्रैल का जो जो जनवरी और फरवरी के जो डेटा थे उसमें कितना प्रोजेक्ट हुआ था, कितना सेल्स बढ़ा था या कितना सेल्स कम हुआ था, उसके अकॉर्डिंग ये मार्च का कैलकुलेट कर लेता। अब आप चाहे तो उसको जीरो भी रख सकते हैं, अगर आप चाहते कि नहीं मार्च में तो जीरो ही सेल हुई थी, उसमें आप कुछ भी कैलकुलेशन नहीं करनी है, तो आप इसको जीरो सेलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज इंटरपोलेशन रख सकते हैं। तो हमारे पास ऑलरेडी वैसे भी कोई जीरो यहाँ पे है नहीं, या एम्प्टी सेल कोई है नहीं, ठीक है। दूसरा है ये देखिए, जो डुप्लीकेट अगर दो बार बार, अगर 100-100 की सेल अगर दो मेरे पास बार बार आती है, 120 की दो बार आ जाती है, 130 की दो बार, तो उस टाइम ये एवरेज लेता, और आप चाहे तो एवरेज की जगह पे मिनिमम मैक्सिमम सम कुछ भी चाहे वो कर सकते हैं, ठीक। तो ये फोरकास्ट स्टार्ट है हमारा जून से हो रहा है, और ये फोरकास्ट एंड है हमारा ये अगस्त में हो रहा है, ठीक है। तो अभी हमको अगस्त में नहीं करना है, हमको चाहिए ये दिसंबर तक चाहिए, ठीक है। तो हमको यहाँ से 31 दिसंबर है वो सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। अभी हमारा ऑल सेट हो गया है, उसके बाद में आपको देखिए यहाँ पे एरो से वापस मिनिमाइज कर देना है यहाँ पे, और उसके बाद में यहाँ पे क्रिएट पे आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो सब कुछ आपके सामने यहाँ पे आ जाएगा। अब ये देखिए चार्ट के साथ में आ गया, जिसकी आपके बॉस ने चाहे आपको नहीं भी बोला होगा, मगर आपके पास में एक एडिशनल यहाँ पे आ चुका है जो कि आप उनको बता सकते हैं, ठीक है। देखिए मैं थोड़ा इसको सेट कर देता हूँ ताकि में भी अच्छा लगे, ठीक है। ये देखिए अभी देखिए यहां पे आप देखेंगे तो जुलाई से लेके दिसंबर तक का हमारे पास में डेटा आ गया है, ठीक है, और इसमें दिसंबर तक का सेल्स भी हमारे पास में पूरा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। एक्चुअली यहाँ पे देखिए हमने क्या किया है, यहाँ पे 31 जुलाई हमने सेलेक्ट किया था, अगर एक आप एक जनवरी करते तो यहाँ पे ये पूरा जनवरी तक का यहाँ पे आ जाता, ठीक है। तो ये देखिए पूरा आपके साथ में, अगर चाहे तो आप डेसिमल में है तो आप इनको डेसिमल को आप हटा के, ये तो चाहे ये तो बेसिक का आपका एक्सेल है, ठीक है, तो आप यहाँ से वो कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए ये आपकी फोरकास्ट सेल होगी,
जो आपकी जनवरी से लेके ये जून तक की आपकी एक्चुअल सेल थी, ये जुलाई से लेके दिसंबर तक की आपकी फोरकास्ट सेल यहाँ पे आ जाएगी। साथ ही चार्ट के साथ में आ गई ब्लू वाला जो है आपका, ये आपका एक्चुअल सेल है देखिए, और ये फोरकास्ट सेल्स है जिसमें आपको अपर बैंड और लोअर बैंड के साथ में मिला है। तो ये भी आप बोल सकते हैं, ये भी आपके पास में एक एडिशनल पॉइंट आपको मिलने वाला है कि आप एक बैंड भी आपने बना दिया है कि अगर वेरी भी होता है तो मिनिमम ये जा सकता है और मैक्सिमम ये जा सकता है और ये आपका जो है मीडियन ये रह सकता है। ठीक है, तो देखिए चार्ट के साथ भी आप उनको समझा सकते हैं कि इससे नीचे नहीं जा सकती है और इससे ऊपर नहीं जानी चाहिए। ठीक है, और ये आपका एक्चुअल अभी जो फोरकास्ट है वो रहने वाला है। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल सी ट्रिक थी जिसमें आपको कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं थी, 10 सेकंड्स के अंदर आप ये कर सकते थे। जैसे ही मंथ और सेल्स को आपने सेलेक्ट किया और फोरकास्ट है जो, देखिए फोरकास्ट सीट है, जस्ट इस पे आप क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे आपका सब कुछ डेटा रेडी एकदम परफेक्ट तरीके से। अब चलिए मैं एक चीज आपको ट्रिक यहाँ पे एडिशनल ट्रिक आपको बताता हूँ। अब फॉर एग्जाम्पल आपसे बोल दिया कि जनवरी फरवरी मार्च का भी डेटा चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे लास्ट वाली सेल है उस पर क्लिक करना है। ठीक है, तो देखिए कुछ नहीं करना है मेरे को, वापस कहीं नहीं जाना है। तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल का भी यहाँ पे डेटा आ गया है और ये यहाँ पे आ गया है। मुझे कहा गया कि जून मई जून तक का भी देना है। ठीक है, 23 तक का, मई जून 2023। तो देखिए यहाँ पे मई जून 2023 आ गया। बिल्कुल सिंपल, आपको कुछ कैलकुलेशन नहीं करनी है, आपका चार्ट भी रेडी हो रहा है, आपकी टेबल भी रेडी हो रही है। तो तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा, टिप्स अगर आपके लिए यूजफुल है तो लाइक और शेयर कीजिए, और चैनल पर अभी तक आप नए हो तो जल्दी से आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी आप प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियो के अपडेट आपको सबसे पहले मिलते रहेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।